को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, दवा होने से तो फायदा है। उस लाइन से लोगों को मोटिवेट होगी आपकी वार्ड में जिस तरह से आप लोगों की काफ़ी मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं, जो कोई भी व्यक्ति पीछे छूट रहा है। सभी से बार बार अनुरोध किया जा रहा है, कृपया अपना मास्क पहन के रखें। बहुत ही अच्छा वर्क
कांग्रेस के साथ जाकर हमारी आर्थिक परिस्थिति आज अपने इसके लिए दिन के अंदर अपने को कम से कम 15-20 हज़ार मेरे ख्याल से एक दिन में करना है। सर 5,000 किया था, 5,000 में भी अपने को काफ़ी जोर लगाया, 5,000 हुआ। वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा किया जाए कि जिससे कि टीकाकरण अपना तेज हो। फीडबैक ये आ रहा है पूरा यह सर हमारे जोन का डेली 5 पड़ी थी। इसको सर 7 वोल्ट है, 65+66 अगर समाज का कोई अच्छी भवन लेना चाहिए, समुदाय का अपने भी मैं मानता हूँ उतने नहीं होंगे। वैक्सीनेशन के लिए आपने जगह जगह केंद्रों का दौरा किया, क्या व्यवस्था है? देखिए जैसा कि आपको विदित है कि पूरे देश में प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ तक भी देखने को मिल रहा है कि इस बार जो स्ट्रेन है वो बदला हुआ स्ट्रेन है, ज़्यादा घातक दिख रहा है, ज़्यादा संक्रमित करने वाला दिख रहा है। इस चीज़ को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए भी और टीकाकरण के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक रोकथाम की बात है, आप जान रहे हैं कि जो आईसी है, जो सख्ती है, मास्क नहीं पहनने के ऊपर जो हमारी धाराएं हैं, यहाँ तक कि दुकानें सीज करनी पड़े दुकानें सीज हो रही हैं। उसके साथ साथ टेस्टिंग जोधपुर ज़िले में बहुत बढ़ाई गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी जोधपुर वासियों से कि थोड़े बहुत भी अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, नज़ला अगर आपको लगता है, तो टेस्टिंग कराने से बिल्कुल गुरेज नहीं करें। कोरोना में समस्या ये है कि जब हम इस बीमारी को छुपाते हैं या इसको एक कैजुअल तरीके से देखते हैं, लेकिन इसमें देरी जो है वो बहुत समस्या लाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत देरी के बाद हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसकी जान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से होम क्वारंटाइन प्रॉपर हो, लोगों को सही समय पर दवा मिले, ये तो हो गए कोरोना रोकथाम के साधन। लेकिन आप सब जान रहे हैं कि पिछले साल में और इस साल में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पिछले साल हमारे पास टीका नहीं था, इस बार संजीवनी बन के ये टीका हमें मिला है। जोधपुर शहर के अंदर खास करके ये प्रयास हो रहा है कि जैसे जैसे संक्रमण आगे बढ़ रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बचाने हैं, हमें सब लोगों को कोरोना से बचाना है। उस चीज़ को देखते हुए निगम प्रशासन के साथ मिलके जोधपुर प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि टीकाकरण जो है वो हर व्यक्ति जिसको कि टीका लग सकता है उसके तक हम पहुँचें। आप सब जानते हैं कि 45 वर्ष के ऊपर हर व्यक्ति को टीका लग सकता है। इस लक्ष्य को लेके निगम प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो पार्षदगण हैं, हमारे जो वार्ड प्रभारी हैं, ये कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आज जिन सेंटर्स के ऊपर हम विजिट कर रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि चिकित्सा विभाग के साथ साथ आमजन भी अपनी बहुत बेहतर भूमिका निभा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 100% टीकाकरण करके हम अपने जोधपुर शहर को कोरोना के संक्रमण से ज़रूर बचा पाएंगे।